टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु ग्राम पंचायत राज राजा रामपुर सरैया क्षेत्र संख्या 27 से उम्मीदवार श्रीमती संयुक्ता सिंह, निवेदक इंजीनियर विपिन कुमार सिंह। अभी हम राजा रामपुर में हैं, जो सरैया प्रखंड में है। यहाँ की मुखिया उम्मीदवार संयुक्ता सिंह हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जीतने के बाद जनता के लिए आप क्या कुछ करेंगी, क्या कुछ आपका एजेंडा है। जीतने के बाद मैं जनता को जो भी सुविधा होगा वो देने की कोशिश करूंगी और जनता से अनुरोध करूंगी कि अगर हमसे कहीं सेवा में कमी हो तो जनता मेरे सामने आकर और बोले कि मैडम ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं यथाशीघ्र उसे पूरा करूंगी। जनरल जहाँ योजना कमी है वहाँ पूरा करूंगी। मेरे क्षेत्र में इंदिरा आवास की बहुत कमी है। मैं ये चाहती हूँ कि जीतकर मैं हर घर में जिस गरीब को इंदिरा आवास नहीं है उस सबको मैं इंदिरा आवास दूंगी और कोशिश करूंगी कि रोड का काम, नाला का काम और शौचालय के काम, जो भी स्वास्थ्य केंद्र का काम, जो भी हमसे बन सकेगा मैं लाकर और दूंगी। मैं BDO से जाकर मिलकर, मैं CO से मिलकर जो भी काम होगा मैं क्षेत्र की जनता को देकर और क्षेत्र की जनता से मैं उस सब काम में सफलता प्राप्त करना चाहूँगी। कारण कि जैसे पिछले मुखिया को शिकायत हो रहा है क्षेत्र में, वैसा शिकायत मैं नहीं सुनना चाहूँगी और मैं जनता के कारण क्षेत्र में उतरी हूँ अपनी नौकरी को रिजाइन मारकर, इसलिए जनता की सेवा में मैं सदा लगी रहूँगी। आपका घर भी राजा रामपुर क्षेत्र में ही आता है? राजा रामपुर पंचायत में है। उसी पंचायत में में मेरा घर है। अच्छा, तो जब उसी पंचायत में आपका घर है और उसी पंचायत से आप उम्मीदवार हैं मुखिया पद के, तो आप यहाँ की समस्या से भली भांति परिचित होंगी। क्या क्या यहाँ की समस्या है? हाँ, मैं हर घर में जाकर, अभी इलेक्शन का टाइम है, मैं हर घर में पहुँच रही हूँ और सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। गरीबों को रोना है कि मैडम इंदिरा आवास हमको नहीं मिला, बहुत को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, बहुत को राशन कार्ड नहीं बना है और हर जगह पानी का माने लगा हुआ है, हर जगह रोडों की असुविधा है। इसका मतलब जो सारी समस्या है आपने जनता के बीच घूम के इस सबको देखा है, समझा है। हाँ। और इसको, इस पर कार्रवाई करेंगी, जीतने के बाद इस समस्या को दूर करेंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जितना बन सके मैं समस्या को सॉल्व करूंगी, दूर करूंगी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अंत में ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि कोई मैसेज अपने जनता को आप देना चाहते हैं, अपने पंचायत वासियों को? मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि पढ़े लिखे और कर्मठ सुयोग्य उम्मीदवार को चुने जनता, और मैं उनसे वादा करती हूँ कि जो भी कमी क्षेत्र में है मैं पूरा करूँगी और समझने की कोशिश करे जनता कि इस क्षेत्र में पढ़े लिखे और सुयोग्य उम्मीदवार की जरूरत है, सुयोग्य मुखिया की जरूरत है।